नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, बहुत ही अच्छा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा इस तरह के क्वेश्चनों में आप लोगों से कहां पर गलती हो जाती है, ठीक है, कहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप देखना चाहते हो तो नीचे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस पर जाके बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए एक छोटी सी बात पहले डिस्कस करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मॉड ऑफ एक्स है, ये स्क्वायर है, आप ठीक है ना, ये चीज है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो आपका आंसर ये होगा कि यहां पर जो आउटपुट जो निकल के आएगा इसका पॉजिटिव आएगा, एक्स आएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसका आउटपुट सॉल्व करने पर क्या आ जाए, माइनस एक्स भी आ जाए, केवल क्या आएगा, प्लस एक्स ही तो आएगा ना। लेकिन यदि आप ये बात कहते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन है, ठीक है, तब एक्स सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ द वन। आप कह सकते हो कि एक्स जो है प्लस माइनस वन आएगा, ठीक है, लेकिन कहीं पर खाली यदि ऐसा लिखा है रूट वन, ठीक है, तो इसका मतलब तो खाली वन ही है ना, यहां प्लस माइनस पहले थोड़ी है, क्लियर है ना। अच्छा जरा एक बात और देखें, यहां पर जो सॉल्व कर रहे हो इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन नहीं है, तो सॉल्व करने पर रिजल्ट केवल आएगा पॉजिटिव आएगा, केवल प्लस का आएगा, ये तो आ नहीं सकता। ये बात समझ लें कि रूट एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने पर ही आएगा, न कि इसको सॉल्व करने पर आप क्या गलती कर देते हो कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने पर आप प्लस माइनस एक्स लिख देते हो, ये गलत है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर प्लस माइनस एक्स नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने पर केवल मॉड ऑफ एक्स, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे आपको यहां लिखा है माइनस टू का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है, ये बात लिखी गई और आपसे कहा है इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर माइनस टू का मॉड ये आएगा, टू आएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, टू, ये बात ध्यान रखें, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी बात का यूज मैं थोड़ा ट्रिकोमेट्री के साथ जा रहा हूं आपको लेकर। जनरली आप क्या लिखते हो, वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लिखते हो, वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लिखते हो, तो आप क्या लिखते हो, चलो इसको रूट मान लेते हैं, ये रूट, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आप लिखते हो रूट में टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखते हो, ठीक है, और जनरली आप इसको क्या लिख देते हो, रूट साइन एक्स लिख देते हो, ऐसा लिख देते हो ना, ठीक है। और ये इसको इतना लिखना गलत है, क्योंकि इसका आउटपुट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यदि यहां पर मैं एक्स एंगल जो है 180 से ज्यादा ले लूं, ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भाई मैंने x 180 से ज़्यादा ले लिया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका आउटपुट कैसा आएगा, केवल पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है ये जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी, मॉड रूट टू साइन एक्स, ये वैल्यू आएगी, बात समझ में आ गई। अब मॉडुलस वाले फंक्शन पर हम लिमिट डिसाइड करते हैं तो आपको पता है कि लिमिट कभी भी बराबर नहीं आती, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती है, ठीक है, और तो उस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्स अप्रोच टू वन होने पर इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं इसे रेफ करता हूं फिर आगे आपको बताता हूं। देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा एक्स अप्रोच टू वन, लिमिट निकालनी है, हम इसको क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये आएगा, ठीक है। एक्स अप्रोच टू वन है, इसको लिखेंगे तो आएगा रूट में रूट टू मॉड साइन एक्स माइनस वन, ये वास्तव में ये ऐसे लिखा जाएगा, मॉडुलस आएगा ये, अपॉन कितना आएगा, एक्स माइनस वन आएगा, ये बात क्लियर है ना आपको, समझ गए होंगे गलती जनरली कहां पर होती है, क्योंकि जनरली गलती ये होती है कि हम यहां पर जब रूट हटाते हैं तो यहां पर मॉडुलस साइन लगा देते और इतना लिख देते हैं। यदि हम इसको इतना लिखेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी और लिमिट सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, ठीक है,
और उसका ऑप्शन वहाँ लिमिट लिखा आ गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और कोई दूसरा ऑप्शन आ गया तो इससे भी एक आंसर आ जाएगा जो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि वास्तव में इसका सही आंसर क्या होगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए कैसे नहीं करेगी, ज़रा देखिए, आप यहाँ पर दो पार्ट निकालेंगे, एक निकालेंगे एक्स अप्रोच टू वन माइनस एफ एक्स, तो आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वन माइनस एच, तो यहाँ पर कितना आएगा, वन माइनस एच अप्रोच टू वन आएगा लिमिट, ये रूट टू आएगा साइन वन माइनस एच माइनस वन आएगा, मॉडुलस साइन आएगा, अपॉन कितना आएगा नीचे वन माइनस एच माइनस वन आएगा, कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक है। एच अप्रोच टू जीरो हो जाएगा, एच अप्रोच टू जीरो हो जाएगा, और आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, रूट टू रहेगा मॉडुलस में और साइन माइनस एच रहेगा अपॉन मॉडुलस, ये क्या आएगा माइनस एच आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यदि आपने यहाँ पर मॉडुलस साइन नहीं लगाया होता तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हो, कहते हैं कि इसका आंसर रूट टू आएगा, इसकी जो लिमिट क्या आएगी रूट टू आएगी, ठीक है, और आपका एक ऑप्शन रूट टू होता तो आप उसको टिक करके चले जाते और वास्तव में वो क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। तो आप समझ लें कि यहाँ पर मॉडुलस साइन है तो क्या होगा, ये आएगा एच अप्रोच टू जीरो एल टी मॉड माइनस रूट टू साइन एच आएगा, अपॉन कितना होगा माइनस एच आएगा, मॉडुलस है तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो एच अप्रोच टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये रूट टू साइन एच अपॉन क्या हो जाएगा एच हो जाएगा माइनस का, तो ये तो वन हो जाएगा, सॉल्व करने पर कितना आएगा माइनस रूट टू, तो जो इसकी लिमिट निकल के आई है वो कौन सी लिमिट आई है वन माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है माइनस का रूट टू निकल के आई है, समझ रहे ना मेरी बात को, ठीक है। अब जरा दूसरी पर आ जाना, एक्स अप्रोच टू वन प्लस एफ एक्स, तो आप पुट करेंगे एक्स इक्वल टू वन प्लस एच, ठीक है, तो ये आएगा आपका वन प्लस एच अप्रोच टू वन यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा मॉडुलस साइन आएगा रूट टू आएगा साइन वन प्लस एच करेंगे, यहां वन प्लस एच करेंगे माइनस वन करेंगे तो खाली एच ही आ जाएगा, और नीचे सॉल्व करेंगे तो एच आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है ना, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या हो गई, ये एच अप्रोच टू जीरो हो जाएगा और आपके पास ये रूट टू साइन एच अपॉन एच आ जाएगा, ये चीज़ क्या होगी आपके पास वन आएगी, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा ये रूट टू आएगा, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन जो है रूट टू नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन माइनस रूट टू नहीं आएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहाँ ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है कि रूट में जब ये चीज़ आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो ये आएगा, क्लियर है ना।